बिना रक्त यानी ब्लड के हमारा जीवन कैसा होगा? वेल, रक्त के बिना हमारा जीवन संभव ही ना होता। न मैमल्स होते, न वर्टिब्रेट्स होते। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि रक्त में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। इस वीडियो में हम विशेष रूप से व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे। ये हमारे शरीर के सिपाही हैं और संक्रामक रोगों और शरीर पर हमला करने वाले बाहरी तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। हालांकि व्हाइट ब्लड सेल्स रक्त का सिर्फ 1% हिस्सा होती हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे शरीर की एक प्राथमिक रक्षा प्रणाली होती है। अगर ये असफल हो जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स अपना काम शुरू कर देती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में 1 से अधिक लोब वाला न्यूक्लियस होता है। ये बोन मैरो में बनती हैं और किसी भी बैक्टीरिया को निगल जाती हैं। ये कैपिलरी वॉल्स के जरिए रक्त से बाहर निकलकर इन्फेक्टेड टिश्यूज तक भी पहुंच सकती हैं। सक्रिय होने पर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अक्सर जिन बैक्टीरिया को ये निगल जाती हैं, उनके साथ खुद भी नष्ट हो जाती हैं। छालों और कट्स में हम इन्हें पीले पस के रूप में देख सकते हैं। फेगोसाइट्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनमें न्यूट्रोफिल सबसे कॉमन है। लिम्फोसाइट्स में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस और बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। ये लिम्फ नोड्स में बनती हैं और पूरे शरीर में पाई जाती हैं, जैसे आर्मपिट्स और गर्दन। शरीर पर हमला करने वाले पैथोजेंस की सतह पर एंटीजन नामक केमिकल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स इन केमिकल्स को पहचानती हैं और एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज पैथोजेंस की सतह से चिपक जाती हैं और या तो फेगोसाइट्स को इन्हें निगलने में मदद करती हैं, या फिर इनकी वजह से पैथोजेंस फट जाते हैं। एक और प्रोसेस में पैथोजेंस इनकी वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे फेगोसाइट्स आसानी से इन्हें ढूंढकर निगल जाती हैं। हर एंटीबॉडी अलग होती है। एक प्रकार की एंटीबॉडी एक ही प्रकार के बैक्टीरिया पर अटैक करती है। दूसरे प्रकार के लिम्फोसाइट्स एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं, जो कि बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। कभी कभी हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से या बहुत तेजी से एंटीबॉडीज नहीं बना पाता। ऐसी अवस्था में वैक्सीनेशन की मदद लेनी पड़ती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाइट ब्लड सेल्स रक्त का सिर्फ 1% हिस्सा होती हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि फेगोसाइट्स बैक्टीरिया को निगल जाती हैं और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स बनाती हैं।